हाई गाइज़ वॉम वेलकम बैक टू एड यू स्टेप सो वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर ट्वेल्व दैट इज़ हिरॉन्स फॉर्मूला तो हमारी मैथ्स की क्लास में काफ़ी गैप आ गया है तो so, जल्दी से हिरॉन्स फार्मूला जो है हमारा उसको हम फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं तो so, अगर आपको याद हो तो हिरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता था दैट सबसे पहले किस लिए कैलकुले किस लिए यूज़ होता है हिरॉन्स फॉर्मूला इज़ यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं हिरोन फॉर्म्यूला का कब जब हमको हाइट ऑफ द ट्रायंगल नहीं पता ठीक है हाइट नहीं पता बट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर नोन टू अस देन व्हाट डू वी यूज यस वी यूज हिरॉन्स फार्म्यूला तो हमारा फॉर्म्यूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इन टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी तो एस क्या है जल्दी जल्दी आंसर करो एस इज द सेमी पेरीमीटर सेमीपेरीमीटर किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबको याद होगा जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस देखी है उन सबको पता है कि सेमी सेमीपेरीमीटर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इट इज़ कैलकुलेटेड एज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय टू तो सेमी का क्या मतलब होता है सेमी का मतलब होता है हाफ तो दैट इज वॉट वी आर डूइंग वी आर डिवाइडिंग आर पेरीमीटर इंटू टू पार्ट तो सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम पेरीमीटर को टू से डिवाइड करेंगे और फिर ए बी सी क्या है ए बी सी आर द साइड ऑफ आर ट्राइंगल राइट तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं अभी तक हम एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर चुके हैं 12.2 के फर्स्ट सिक्स क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो चुके हैं और हम लोग आज रिमेनिंग थ्री क्वेश्चन जो कि हमारे लास्ट थ्री क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के उनको डिस्कस करने वाले हैं राइट तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज हमारी किस टॉपिक पे है अगर आपको याद होगा तो एप्लीकेशन ऑफ इन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो अभी तक हमने हिरॉन्स फॉर्मूला को किस में यूज़ किया टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर गोइंग टू हैव अ सर्टेन चेंज इन द फॉर्मूला बट वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फार्मूला डिवाइड आर क्वाटर लेटर इन एंड फर्दर टू देश राइट लेट बिगिन So, part uh, 4 of our exercise 12.2 is what we are going to talk about today. So, Hamadi, question number 7. So, question number 7 says, A kite. तभी हमको स्पेसिफाई किया गया क्वेश्चन में तो so सबसे पहले क्या है इट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर तो शेप ऑफ अ स्क्र का क्या मतलब हो गया एक तो इट्स डायग्नल आर गोइंग टू बी इक्वल टू इच अदर And they are going to intersect each other, intersect each other at what? They are going to intersect each other at right angles, right? So ek to, to, to they are going to be equal, the diagonals are going to be equal, and they're going to intersect each other at what? They are going to intersect each other at 90 degrees. And all the sides of our kite are going to be what? They are going to be equal. Why? Because our kite is in the shape of a square. राइट right? तो a इन द शेप ऑफ of स्क्वायर विथ अ a diagonal 32 सेंटीमीटर्स तो diagonal हमारा 32 cm सेंटीमीटर है अगर एक hamara हमारा cm hai सेंटीमीटर है तो दूसरा भी क्या होगा 32 टू सेंटीमीटर होगा एंड इफ दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर तो इसका मतलब क्या है ऑल दीज पार्ट फर्स्ट लेट अस डू वन थिंग टू नेम आर कईट ठीक है तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी सी एंड डी एंड द मिड पॉइंट इज ओ ठीक है तो सबसे पहले वी नो दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू वॉट थर्टी टू सेंटीमीटर्स ये हमें गिवेन है फिर एज वी नो दैट अगो टू इंटरसेक्ट इच अदर तो हमें क्या पता है दैट ए ओ इज इक्वल टू बी ओ is equal to CO is equal to BO which is equal to what 32 ka half which is equal to what 16 degree ठीक है uh, sorry 16 centimeters right तो so, ये हमारी uh, first two चीजें हमें पता चल गई अब आगे चलें and an isosceles triangle with base 8 centimeter by isosceles triangle हमारा यहाँ पे है नीचे तो इसका बेस हमें गिवन है एट सेंटीमीटर एंड द साइड सिक्स सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ थ्री डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर ठीक है तो अपने ट्राइंगल्स को हमने क्या करना है वी हैव टू वी आर यूजिंग थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स ठीक है तो एक में सपोज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं एक जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है वी आर यूजिंग ब्राउन पेपर टू फॉर्म दिस ट्राइंगल ठीक है देन फॉर एग्जाम्पल ओके वॉट कलर बी चूज ठीक है ब्लू चूज करते हैं तो ब्लू फॉर द सेकेंड ट्राइंगल एंड ब्लैक जैसे कि ऑलरेडी गिवेन है ब्लैक फॉर द थर्ड ट्राइंगल तो तीन पेपर्स हमको बेसिकली यूज करने हैं और वो तीन पेपर्स अलग अलग कलर्स के होंगे अलग अलग शेड्स के होंगे और कैलकुलेट हमें क्या करना है कि हर कलर का कितना पेपर यूटिलाइज होगा टू फॉर्म आर काइट विच आर गोइंग टू फ्लाई ठीक है तो पहले तो ट्रायंगल वन की बात करते हैं अब ये हमें पता है कि जो हमारा ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू है उसकी जो एरिया होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम अब क्यों होगा सेम क्योंकि हमारे डायमेंशन सेम है ऑब्वियसली हमें ये पता है कि uh, <coughs> हमारे दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनका कॉमन बेस क्या है उनका कॉमन बेस है थर्टी टू सेंटीमीटर्स है ना थर्टी टू सेंटीमीटर्स इज द बेस ऑफ आर ट्राइंगल्स एंड हाइट कितनी है हाइट हमने अभी कैलकुलेट करी ओ सी इज दॉरी ओ ए इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी बी तो वो हो गई सिक्सटीन सेंटीमीटर्स सिक्सटीन सेंटीमीटर्स एंड ओ सी इज हाइट ऑफ आर ट्राइंगल पी सी डी अगेन सिक्सटीन सेंटीमीटर्स तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल वन एंड ट्राइंगल टू आर दे आर वॉट दे आर इक्वल राइट तो एरिया कैसे निकालेंगे हम ट्राइंगल वन इज इक्वल टू ट्राइंगल टू इज इक्वल टू हाफ इन टू बेस इन टू हाइट राइट तो हाफ इनटू बेस कितना है हमारा बेस इज़ थर्टी टू एंड हाइट इज़ वॉट इट इज़ सिक्सटीन तो ये टू से सिक्सटीन एंड द आंसर इज टू फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो टू फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर यूज़ होगा फॉर ट्राइंगल ए बी डी और टू फिफ्टी सिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं टू फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर यूज़ होगा फॉर बी सी डी अब हमारा ब्लैक पेपर कौन कितना यूज़ होगा ये चेक कर लेते हैं तो ब्लैक ट्रायंगल के लिए एरिया इज इक्वल टू अब इसमें हमको हाइट नहीं पता है तो इसमें हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा यस यू आर राइट द हिरॉन्स फॉर्मूला ठीक है तो लिख लेते हैं हिरॉन्स फार्मूला को जल्दी से अपनी नोटबुक्स जो आपके आगे हैं मेरे लिखने से पहले वीडियो पॉज करो और फटाफट हिरॉन्स फॉर्मूला लिख दो ओके नाउ लेट अस क्रॉस चेक द हिरोस फॉर्मूला इट इज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा वी हैव टू कैलकुलेट दी सेमी सेमीपेरीमीटर विच इज इक्वल टू साइज क्या है हमारी सिक्स एंड सिक्स एंड एट तो डिवाइडेड बाय टू तो सम करेंगे तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व एंड एट ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू टेन तो टेन आ गया हमारा सेमीपेरीमीटर राइट तो टेन हमारा सेमीपेरीमीटर आ गया तो एस माइनस ए क्या आ जाएगा एस माइनस ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू टेन माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू फोर देन एस माइनस बी क्या आ जाएगा टेन माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू फोर अगैन एंड एस माइनस सी इज इक्वल टू इज इक्वल तो तो जल्दी से में पुट करते हैं A 10 into 4 into 4 into 2. तो अपने टेन को हम लोग ब्रेक करके लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स तो टू इंटू फाइव इंटू फोर इंटू फोर इंटू टू तो जो पेयर्स है उनको अंडर रूट में से बाहर निकाल लो टू का पेयर है एक तो तो एक टू बाहर आ जाएगा और फोर का पेयर है तो एक फोर बाहर आ जाएगा अंडर रूट फाइव एट अंडर रूट फाइव राइट एक्सक्यूज मी तो हमारा अंडर रूट फाइव की वैल्यू है गाइज टू पॉइंट टू थ्री सिक्स ठीक है और जब हम एट को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर इज गोइंग टू कम आउट टू बी सेवेंटीन पॉइंट एट एट सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड प्रिटी ईजी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं इसमें जस्ट दैट टू स्टार्ट द क्वेश्चन वी मस्ट नो कि स्क्वेयर की शेप में हमें क्यों स्पेसिफाई किया है कि जो हमारी काइट है वो स्क्वेर की शेप में है बिकॉज बिकॉज दे वॉन्ट टू टेल अस दैट दी डायग्नल आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट नाइंटी डिग्री सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर क्वेश्चन कभी भी कहीं पर भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए यू हैव टू कीप एन माइंड उन्होंने क्या बोला है स्क्वायर बोला है रोम्बस बोला है या क्या शेप बताई है जिसके हिसाब से वी कैन कंक्लूड सर्टन थिंग्स फॉर सोल्विंग अ क्वेश्चन फॉर्दर ठीक है राइट right. <clears throat> तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो राइट सो क्वेश्चन नंबर एट अब क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है अ अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ़ टाइल्स तो कितनी टाइल्स है हमारे पास सिक्सटीन टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर ट्राइंगल शेप की है ठीक है द साइड ऑफ द ट्राइंगल बींग नाइन सेंटीमीटर ट्वेंटी एट सेंटीमीटर एंड थर्टी फाइव सेंटीमीटर ठीक है फाइन द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट ऑफ फिफ्टी पैसा पर सेंटीमीटर स्कोयर तो सबसे पहले क्या है हमें क्या बताया कि हमारे पास टाइल्स है. है एक में एक उसमें टाइल्स हैं टू टाइल्स है ना एक पेटल में फ्लार का एक पेटल है उसमें टू टाइल्स हैं और कितने पेटल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो दिस मेक्स अप सिक्सटीन तो सिक्सटीन हमारी टाइल्स है इन टोटल एंड वी है

तो एक का अगर हम लोग टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग सिक्सटीन का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो साइड्स देखो सबसे पहले ए इज इक्वल टू ट्वेंटी एट बी इज इक्वल टू थर्टी फाइव एंड सी इज इक्वल टू नाइन राइट तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए यस वी फर्स्ट नीड द सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर तो ट्वेंटी एट प्लस थर्टी फाइव प्लस नाइन डिवाइडेड बाय टू राइट तो सम कर लो इसको ट्वेंटी एट प्लस नाइन इज गोइंग टू बी थर्टी सेवन प्लस थर्टी फाइव सेवेंटी टू डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स एक्सेंटी एट इज इक्वल टू वॉट इट इज इक्वल टू एट एस माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस थर्टी फाइव विच इज इक्वल टू वन एंड एस माइनस सी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस नाइन ज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ठीक है अब फॉर्मूला में पुट करते हैं एरिया इज इक्वल टू सेमी सेमीपेरीमीटर क्या पहले अंडर रूट ऑफ थर्टी सिक्स दैट इज अ सेमीपेरीमीटर इंटू एस माइनस ए एट इंटू एस माइनस बी वन इंटू एस माइनस सी ट्वेंटी सेवन ठीक है तो अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं सबसे पहले नाइन इंटू फोर राइट इंटू फोर इंटू टू इंटू नाइन इंटू थ्री राइट तो इसमें से पेयर्स कौन से बन रहे हैं? एक तो नाइन बाहर आ जाएगा सिंगल और फोर बाहर आ जाएगा और अंदर रह गया हमारा थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स तो दिस इज इक्वल टू थर्टी सिक्स अंडर रूट सिक्स ये हमारा एरिया निकल गया थर्टी सिक्स अंडर रूट सिक्स विच इज इक्वल टू चलो अब इसको एज इट इज रहने देते हैं थर्टी सिक्स अंडर रूट सिक्स को ठीक है अब ये हमारा निकल गया फॉर वन टाइल अब हमको क्या करना है वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर तो एरिया ऑफ सिक्सटीन टाइल्स कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स इंटू सिक्सटीन अंडर रूट सिक्स ठीक है और फिर अब कॉस्ट कितनी दी थी हमको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी दी है हमको फिफ्टी पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना फिफ्टी पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू फिफ्टी इन टू थर्ट सिक्सटीन इंटू थर्टी सिक्स अंडर रूट सिक्स ठीक है अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा द आंसर इज गोइंग टू कम आउट टू बी सेवन जीरो फाइव फोर पॉइंट सॉरी सेवन जीरो फाइव फोर फाइव पॉइंट थ्री पैसा पर हमको क्या करना है अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम कोई अमाउंट देंगे तो हम पैसे में थोड़ी देंगे रुपीज में देंगे तो रुपीज में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू डिडेड बाई हंड्रेड वाई आर वी गोइंग टू डिडेड बाई हंड्रेड क्योंकि हमें पता है कि वन पैसे की कॉस्ट देखो वन रुपी की कॉस्ट कितनी होती है वन रुपी इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा है ना तो वन पैसा इज गोइंग टू बी वॉट वन अपॉन हंड्रेड रुपी तो हमको पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है तो वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाई वन अपॉन हंड्रेड ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड इसको वन अपॉन हंड्रेड से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अब हमारा क्या आ जाएगा आंसर द आंसर इज गोइंग टू कम आउट टू बी रुपीज सेवन जीरो फाइव पॉइंट फोर फाइव ठीक है तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑल द टाइल्स ऑन द फ्लोर ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड सबसे पहले इसमें तो बेसिक था वन वी आर गिवन ट्राइंगल्स ट्राइंगल की हर एक साइड हमें गिवन है वहां से फॉर्मूला निकाल लो वन का निकल गया तो सिक्सटीन टाइल्स है हमारे पास सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे और कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है तो टोटल निकालने के लिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट विद द एरिया गॉट इट राइट सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर चैप्टर नंबर ट्वेल्व हिरॉन्स फॉर्मूला जल्दी से डिस्कस करके खात्मा कर देते हैं इस चैप्टर का सो दैट वी कैन मूव ऑन टू आर नेक्स्ट चैप्टर ठीक है तो अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रिपीजियम ट्रपीजियम की शेप है अब ट्रिपीजियम क्या होता है ट्रपीजियम इज अ वॉटरल व्हिच हैज टू पैरल साइज एंड टू नॉन पैरल साइज ठीक है टू पैरल साइज एंड टू नॉन पैरल साइज तो अब हमें क्या बोला है सपोज हमारा ये ट्रिपीजियम है ए बी सी एंड डी हु पैरल साइज आर ट्वेंटी फाइव एंड टेन मीटर्स तो बड़ी वाली हो गई ट्वेंटी फाइव मीटर्स और छोटी वाली हो गई टेन मीटर नॉन पैरल साइज ऑफ फोर्टीन मीटर एंड थर्टीन मीटर तो बड़ी वाली हो गई फोर्टीन और छोटी वाली हो गई थर्टीन मीटर्स ठीक है अब हमें क्या करना है वी हैव टू सॉरी वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड अब ट्रिपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है स्टेप वन इज द एरिया ऑफ अ ट्रपीजियम तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम होता है हाफ ऑफ़ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम ठीक है तो डिस्टेंस बिटवीन देम ये होता है हमारा एरिया ऑफ अ अब हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो पता है पर हमें डिस्टेंस नहीं पता और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए तो हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू फॉर्म अ ट्रायंगल ऑन दिस साइड ऑफ द ट्रेपेजियम ठीक है तो ये हम इस साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं पैरल साइड फ्रॉम हियर ठीक है तो ये हमारा जब ये थर्टीन है तो हमने एक पैरलेलोग्राम बना दिया जिसके हिसाब से वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन पैरल टू बी सी ठीक है वी आर ड्रॉइंगल लाइन पैरल टू बी सी पैरल टू बी सी यार राइट तो ये भी क्या होगा थर्टीन सेंटीमीटर थर्टीन मीटर्स होगा ठीक है अब अगर ये पूरा हमारा ट्वेंटी फाइव मीटर्स है तो यहाँ तक क्या हो जाएगा अब एक पैरल ग्राम में क्या होता है ऑपोजिट दोजिट साइड्स पैरल एंड इक्वल तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम ई मार्क कर देते हैं तो फ्रॉम ई टू सी हमारा डिस्टेंस क्या है टेन मीटर्स तो इसका मतलब फ्रॉम डिस्टेंस और आर मेजरमेंट इज अगो टू बी फिफ्टीन मीटर्स ठीक है अब क्या हो गया कि जो हमारा ट्राइंगल है ए डी ई उसके हमें तीनों साइड्स मिल गए तो हम क्या करेंगे स्टेप टू में हम हिरोस फॉर्मूला यूज करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ठीक है अब एस क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं एस इज इक्वल टू फोर्टीन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय टू तो ये आ जाएगा हमारा ट्वेंटी एट एंड फोर्टी टू डिवाइडेड बाय टू विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी वन ठीक है तो सेमी सेमीपेरेमीटर आ गया हमारा ट्वेंटी वन ठीक है सेमी सेमीपेरेमीटर आ गया ट्वेंटी वन एस माइनस ए ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन कर लेते हैं विच इज इक्वल टू ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन ट्वेंटी वन माइनस थर्टीन और ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन ठीक है तो अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी वन इंटू सेवन इंटू एट इंटू फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी वन इज़ वॉट इट इज़ सिक्स ठीक है तो हमारा ये हो गया अब ब्रेक कर लेते हैं ट्वेंटी वन कैन बी रिटर्न एज थ्री इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू फोर इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू तो क्या बाहर आ जाएगा एक तो थ्री का पेयर है सेवन का पेयर है टू का पेयर है और फोर इट सेल्फ इज अ स्क्वायर तो फोर का अंडर रूट क्या होता है टू तो ये आ गया हमारा थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन इंटू फोर ठीक है तो ये हमारा क्या आ जाएगा एट्टी फोर तो एरिया इज़ गोइंग टू कम आउट टू बी एट्टी फोर अब हिरॉन्स फॉर्मूला से हमने एरिया तो निकाल दिया अब हम आगे क्या करेंगे वेट लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट तो हमारा जो एरिया है अब ये देखो कि इस एरिया से हम लोग हाइट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे सोचो सोचो एरिया तो निकल आया ट्रायंगल का अब इस एरिया का फायदा क्या है फायदा ये है कि हम लोगों ने इससे अपना क्या कैलकुलेट करनी है हाइट कैलकुलेट करनी है तो देखो ये हमारा ट्रायंगल है सपोज जो हमने वो ड्रॉ किया है ठीक है फोर्टीन थर्टीन एंड फिफ्टीन अब एरिया हमें पता है हमें हाइट कैलकुलेट करनी है तो एरिया का अगर आपको पता है तो हमें एक और फॉर्मूला पता है दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो अब यहाँ पे एरिया पुट कर देते हैं एरिया क्या आया था हमारा एरिया आया था हमारा 84 सेंटीमीटर सॉरी 84 मीटर स्क्वायर तो 84 फोर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है ट्रायंगल का 15 इंटू हाइट ठीक है इंटू हाइट राइट तो ये हमारा यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर देंगे तो h इज़ इक्वल टू एट्टी फ़ोर इंटू टू डिवाइडेड बाय फिफ्टीन तो थ्री से चला जाएगा थ्री फाइव ज़ा एंड थ्री ट्वेंटी एट जा ठीक है तो ये आ गया हमारा फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव राइट दिस इज द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ आर ट्रायंगल. तो हाइट ट्रायंगल की है वही हाइट हमारी किसकी होने वाली है द सेम हाइट इज गोइंग टू बी ऑफ आर ट्रपीजियम तो ये डिस्टेंस बिट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स वी हैव कैलकुलेटेड तो अब अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ ट्रिपीजियम एटी इज़ इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स है टेन प्लस ट्वेंटी फाइव राइट टेन प्लस ट्वेंटी फाइव वो आ गया हमारा थर्टी फाइव है ना हाइट कितनी आ गई डिवाइडेड बाय तो तो कैंसिल कर लेते हैं 5 7s are, 2 28s तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा दू कमी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर. इट तो वी आर डन आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छे से कुछ भी नहीं किया हमने सबसे पहले वी टुक आउट वी फाउंड द कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है ट्रिपीजियम का और उसके बाद उसमें हमें हाइट्स चाहिए थी जो हमने कैसे कैलकुलेट की वी फॉर्म्ड अ ट्रायंगल ऑन वन साइड ऑफ आ ट्रिपीजियम So here we are done with our chapter 12, that is Heron's formula, and we are going to start with the next lesson in the very next video. So guys, stay tuned and please like, share, and subscribe to our channel EduStep. Thank you so much.